हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो फाइबर टू फैब्रिक और इसके हम लोग डिफाइन देखेंगे। डिफाइन में कोकून के बारे में जानेंगे, यानी सिल्क मॉथ कैसे सिल्क बनता है। फाइबर टू फैब्रिक यानी रेसे और फैब्रिक मतलब संरचना, फाइबर मतलब रेसे और फैब्रिक मतलब संरचना। यानी जब रेसे मिलते हैं तो एक संरचना बनती है। ओके सर, हम लोग बात करते हैं ककून की, बात करते हैं इसमें हमारे कुछ पॉइंट है जिनको हम लोग आज पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन तो हम लोगों ने वीडियो में अपने जो पहले हमारे वीडियो बने थे फाइबर टू फैब्रिक में, उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन अब हम लोग डिफाइन वेरी शॉर्ट एमसीक्यू एफआईपी एंड मैचिंग पे वर्क करेंगे। ककून क्या है? दी कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ, मतलब जो कैटरपिलर होता है वो पूरा कवरिंग करता है, स्वयं करता है, इटसेल्फ मतलब स्वयं, बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू पीपा पे। उसके बाद फ्लीस क्या होता है? द हेयर ऑफ बुल गिविंग एनिमल्स, जब हम एनिमल्स से बुल हेयर निकालते हैं, हेयर ऑफ बुल निकालते हैं वो हमारे फ्लीस कहलाते हैं। उसके बाद रीलिंग क्या होता है? ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून, यानी जो हमें ककून से सिल्क फाइबर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं। फिर स्क्रीन क्या होता है हमारा स्टैंड? वॉशिंग ऑफ द सियर्ड स्किन टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड स्क्रीन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब जो वूल हमें मिलते हैं भेड़ों से मिलते हैं वो क्या करते हैं, उस वूल को हम लोग धोते हैं, वॉश करते हैं, उनकी सफाई की जाती है। ये देखा था कहीं इसमें ग्रीस तो नहीं लगी हुई, कहीं इसमें डस्ट तो नहीं लगी, वो सब हटाई जाती है। तो ये उसे हम लोग कहते हैं स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन। स्क्रीन में क्या होता है? वॉशिंग ऑफ द सियर स्किन टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड स्क्रीन। उसके बाद सिल्क मॉथ स्टेशन क्या होता है? सिल्क जो ऑब्टेंड फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी सिल्क मॉथ ककून से प्राप्त होता है उसे हम सिल्क मॉथ बोलते हैं स्टेशन। उसके बाद हमारा सिल्क वॉर्म क्या होता है? द सिल्क मॉथ लेज एग्स दैट हैच इनटू लार्वा, जो सिल्क मॉथ होता है वो अंडों को हैच करता है, जैसे मुर्गी हैच करती ना, तो उसमें हैच करने के से क्या इंटू चेंज होता है? लार्वा आता है। उसके बाद हमारा सॉर्टिंग सिस्टम, सॉर्टिंग क्या होता है? सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, मतलब हेयर को डिफरेंट तरीके से सेपरेट करना, अलग करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। यानी हेयर को कई तरीकों से अलग करना उसे हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं। फिर हमारा रियरिंग क्या है? Means helping someone to grow. हमें जब किसी संबंध से किसी भी चीज से हेल्प लेते हैं उसे हम बोलते हैं रियरिंग। फिर इसमें हमारा सियरिंग क्या होता है? रिमूव्ड ऑफ वूल फ्रॉम सीप इज कॉल्ड सियरिंग, मतलब सीप से वूल को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, उसे हम सियरिंग बोलते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्की, यानी सिल्क वॉर्म जो होते हैं उन्हें हम रियरिंग करते हैं, मतलब रियरिंग किसी तरीके से उनको क्या किया जाता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्की, जो सिल्क वॉर्म होते हैं रेशम का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है? सिल्क ऑब्टेन देता है, मतलब ऑब्टेन प्राप्त करवाता है, उसी को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। अब इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। तो ककून है हमारा, फिर हमारा है स्क्रीनिंग है, फिर हमारा है सिल्क मॉथ है, उसके बाद हमारा आता है सॉर्टिंग है, फिर हमारा रियरिंग है, फिर हमारा सेरिकल्चर। तो इन पॉइंटों पे आपको गौर करने की बहुत जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।